अष्टैर्दिष्ट विशिष्ट मार्ग सरणम् श्री ज्ञानराजं गुरुम् माणिक्य प्रभुमाश्रयामि परमं शन्नो भवेत् सर्वदा। जय गुरु माणिक। ज्ञान लहरी श्रृंखला में आज मैं परम पूज्य श्री ज्ञानराज माणिक प्रभु महाराज द्वारा रचित आज मेरा ये मैपन तुम्हारा हुआ इस कविता का पठन कर रहा हूं। श्री जी की अन्यान्य रचनाओं से यही बात प्रतिध्वनित होती है कि जीवन में जब तक हम अपने अहम भाव का, अपने मैपने का त्याग नहीं करते, तब तक हमें उस परमात्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती, उस प्रभु तत्व की प्राप्ति नहीं होती। और जब इस अहम भाव का निराश होता है तब दौड़ अपनी छोड़कर मैं जब अचानक रुक गया, भूल कर अपनी अकड़ जब थक गया झुक गया, आ गया बाहें पसारे प्रभु स्वयं ही भागता, आ गया बाहें पसारे प्रभु स्वयं ही भागता, जब तलक मैं था उसे मैं हर तरफ था खोजता। जब उस अहम भाव का निराश होता है तब वे प्रभु स्वयं भागते हुए आते हैं और हमें गले से लगा लेते हैं। तो इस कविता में श्री जी अपने अहम भाव को, अपनी देह भावना को उस प्रभु को ही समर्पित कर देते हैं और कहते हैं कि तन किया है समर्पण तुम्हारा हुआ, आज मेरा ये मैपन तुम्हारा हुआ, धड़कने और सांसें तुम्हारी हुई और ये बद चलन मन तुम्हारा हुआ, तन किया है समर्पण तुम्हारा हुआ, आज मेरा ये मैपन तुम्हारा हुआ। देह का विस्मरण चित स्मरण से हुआ, एक अंतःकरण श्री चरण से हुआ, भय मरण का मुझे अब सताता नहीं, भय निवारण तुम्हारी शरण से हुआ, आवरण और विक्षेप दोनों मिटे, दृश्य में आज दर्शन तुम्हारा हुआ, तन किया है समर्पण तुम्हारा हुआ, आज मेरा ये मैपन तुम्हारा हुआ। छोड़ दी नाम की रूप की मान्यता, शेष केवल बची सच्चिदानंदता, अब अहंता बिना और इदंता बिना कौन अनुभव करे धन्यता पूर्णता, ज्ञान के स्थान पर तुम दिखाई दिए, ज्ञान के स्थान पर तुम दिखाई दिए, आज दर्शन विलक्षण तुम्हारा हुआ, तन किया है समर्पण तुम्हारा हुआ, आज मेरा ये मैपन तुम्हारा हुआ, आज मेरा ये मैपन तुम्हारा हुआ। तब यह अनुभूति होती है कि सकल मत प्रभु नांदे जिकड़े तिकड़े, जिधर जिधर देखो उधर उधर सकल मताचार्य प्रभु महाराज ही दिखने लगते हैं।